हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो आपको होमवर्क दिया था वो कुछ ये था। आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स दे रखे थे, आपको बताना था इन सारे स्ट्रक्चर्स में आपस में क्या रिलेशन है, किस टाइप के आइसोमर्स हैं। तो तरीका वही है जैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आप देखें, 5 मेंबर रिंग है और ये 4 मेंबर का चेन है, करेक्ट। तो 4 मेंबर रिंग फोर कार्बन साइड चेन, यहां पर भी देखेंगे। सॉरी, ये 5 मेंबर रिंग था, 4 कार्बन का साइड चेन था, ये भी 5 मेंबर रिंग है लेकिन 3 कार्बन का साइड चेन। ध्यान से देखेंगे, साइड चेन आप इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी चेन, तो इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है साइड चेन। यहां पर अगर देखेंगे तो अभी कन्वर्ट हो गया है 6 मेंबर रिंग, साइड चेन में कितने कार्बन है? साइड चेन सेकेंडरी चेन आप ये लेते हैं, 2 कार्बन है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे 6 मेंबर रिंग है और साइड चेन में 1 कार्बन ईच है। यहां पर भी देखेंगे तो 6 मेंबर रिंग है और साइड चेन में 1 कार्बन ईच है। आप देखें, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, यहां पर भी देखेंगे एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन। तो मैंने सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में देख लिया जो भी हमें देखना है। अब कंपेयर करना शुरू कर, फर्स्ट और टू में देखेंगे। तो मेन चेन कौन सा हो गया? 5 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग, सेम है। साइड चेन देखेंगे, 4 मेंबर 3 मेंबर, लेंथ ऑफ साइड चेन में डिफरेंस आया। तो वन और टू क्या हो गए आपस में? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या होते थे? जिनके पेरेंट चेन या साइड चेन के लेंथ में डिफरेंस आता था। तो हमारे वन और टू क्या हो गए? चेन आइसोमर्स। उसके बाद वन और थ्री देखें, वन और थ्री देखेंगे अगर, तो ये 5 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, लेंथ ऑफ रिंग चेंज हो गया है। जब लेंथ ऑफ रिंग चेंज होता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? रिंग चेन आइसोमर्स। तो वन और थ्री क्या हो जाएंगे? रिंग चेन आइसोमर्स। वन और फोर में अंतर देखेंगे तो ये 5 मेंबर रिंग था, इसमें 6 मेंबर रिंग है, रिंग के लेंथ में डिफरेंस आ गया, फिर से क्या हो जाएंगे? ये वेरी गुड, रिंग चेन आइसोमर्स। तो वन एंड फोर भी हो गए रिंग चेन आइसोमर्स। वन और फाइव में कंपेयर करेंगे, सेम लॉजिक यूज करेंगे, 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, क्या हो जाएंगे? रिंग चेन आइसोमर्स। फर्स्ट का सारा केस खत्म, सेकेंड का केस देखते हैं। सेकेंड में आप आएंगे, सेकेंड का थर्ड से कंपैरिजन करेंगे, तो ये 5 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, वापस से क्या हो गया? रिंग चेन आइसोमर्स। टू को फोर से कंपेयर करेंगे, 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, ये भी क्या हो गया? रिंग चेन आइसोमर्स। टू को फाइव से कंपेयर करेंगे, सेम लॉजिक, रिंग चेन आइसोमर्स। अब थर्ड को फोर्थ से कंपेयर करते हैं, तो यहां पे ध्यान देंगे आपका लेंथ ऑफ रिंग सेम है, राइट। तो साइड चेन पे आए, साइड चेन पे आएंगे तो देखेंगे इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे, तो साइड चेन में यहां पे 2 कार्बन है, यहां के साइड चेन में 1 कार्बन है, एक साइड चेन। तो लेंथ ऑफ साइड चेन में डिफरेंस आ गया। जब लेंथ ऑफ साइड चेन में डिफरेंस आ गया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? चेन आइसोमर्स। तो थ्री एंड फोर आर चेन आइसोमर्स। सेम लॉजिक यूज करेंगे थ्री एंड फाइव में भी, थ्री एंड फाइव एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अगेन चेन आइसोमर्स।
लेंथ ऑफ रिंग सेम है, साइड चेन देखा आपने, साइड चेन में यहाँ पे इसके साइड चेन में दो कार्बन है, साइड चेन का लेंथ दो कार्बन का है, यहाँ पे साइड चेन का लेंथ एक कार्बन ईच है, तो साइड चेन के लेंथ में डिफरेंस आया, क्या हो गया ये चेन आई। करेक्ट। अब नेक्स्ट आता है फोर एंड फाइव को कंपेयर करेंगे, तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कौन है, सिक्स मेंबर्ड रिंग, इसमें भी सिक्स मेंबर्ड रिंग, इसमें भी, साइड चेन का लेंथ कितना है, तो वन कार्बन ईच, वन कार्बन ईच, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन सेम है, लेंथ ऑफ साइड चेन सेम है, लेंथ ऑफ रिंग सेम, तो ये चेन आइसोमर्स हो नहीं सकते, रिंग चेन आइसोमर्स हो नहीं सकते। उसके अलावा हमें क्या कंपेयर करना है, इस पोजिशन पे साइड चेन जुड़ा हो, तो यहां पे देखेंगे अगर आप इसको वन मानते हैं तो टू थ्री पे जुड़ा हुआ है और फाइव पे जुड़ा हुआ है, वन थ्री फाइव पे साइड चेन जुड़े हैं, यहां पे अगर आप इसको वन मानते हैं तो वन टू, वन टू और फोर पे जुड़ा, तो वन टू और फोर पे साइड चेन जुड़े हैं। तो कहां पे अंतर आ रहा है, पोजिशन ऑफ साइड चेन पे, कैसे आइसोमर्स हो गए, पोजिशन आइसोमर्स, तो फोर एंड फाइव आर पोजिशन आइसोमर्स। ये था हमारा पिछले क्लास का क्वेश्चन, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। पिछले क्लास में जब मैंने आपको होमवर्क दिया था, मेरे को बहुत सारे रिस्पॉन्सेस मिले जिसमें आप क्या कर रहे थे कि दो स्ट्रक्चर को दो अलग अलग चीजों में बांट रहे, जैसे आपने चेन आइसोमर भी बोल दिया, पोजिशन आइसोमर भी बोल दिया, ये चीज नहीं करेंगे, ये चीज करना गलत है। Either it is a chain isomer or a position isomer, दोनों में से एक ही हो सकता है, दो structure के बीच में एक ही relation, या तो वो chain isomer होगा, या तो वो position isomer होगा, या तो वो ring chain isomer होगा। Correct? इस चीज को ध्यान रखिए, same pair को दो अलग अलग जगह नहीं रख सकते हैं आप, वो रखना गलत है। Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों पिछले क्लास में हमने कर लिया था चेन आइसोमर खत्म, पोजीशन आइसोमर कर लिए थे और रिंग चेन आइसोमर कर लिए। अभी आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। लॉजिक इसका सिंपल सा है, जैसा नाम से क्लियर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, दैट मींस फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आना चाहिए। तो लिख लेते हैं, दोज आइसोमर्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स विच डिफर in their functional group, functional group different होना कह सकते हैं, और precisely functional group must be different, फंक्शनल ग्रुप जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा हो सकता है C2H6O। करेक्ट। अब C2H6O के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो CH3O CH3, एक तो आप ये बना सकते हैं CH3CH2OH, एक स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, यही एग्जांपल हमने सबसे पहले वाली क्लास में लिया था जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझा रहे थे। O की कनेक्टिविटी डिफरेंट है, O क्या कर रहा है, दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पे O क्या है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एथर, इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कोहल। तो आप देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दो सी है,
छह हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, दो सी है, तीन दो पांच एक छह हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस कहां पे आ रहा है? तो डिफरेंस आ रहा है आपका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है डिफरेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए फंक्शनल आइसोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कोई कंफ्यूजन नोट कर लेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं सेम चीज का। एग्जाम्पल लेते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, यहां पर ध्यान देंगे ये जो फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको हम बोलते हैं एस्टर। एक और स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ OH. इस फंक्शनल ग्रुप को आप बोलते हैं कार्बोक्सिलेट एसिड। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये चीज समझने के लिए आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, नॉमेनक्लेचर आता है तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एस्टर है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या चीज में डिफरेंस आ रहा है फंक्शनल ग्रुप में, एक बार जरूर चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो कार्बन कितना है एक दो तीन, तीन कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है तीन, तीन छह करेक्ट फोर करेक्ट। यहां पर देखेंगे एक दो तीन कार्बन है सी थ्री, हाइड्रोजन कितना है छह, ऑक्सीजन दो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंस कहां पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप में, ये एस्टर है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डिफरेंस जब फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कोई कंफ्यूजन है? अब थोड़ा समझते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। जब तक फंक्शनल ग्रुप हमें नहीं समझ में आएगा तब तक हम इसका और जनरलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है, 10th क्लास में काफी क्लियरली आपको बताया गया था फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप वैसे ग्रुप्स होते हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को डिफाइन करते हैं, कोई कंपाउंड कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा कितना कम रिएक्टिव होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो डिफाइन करता है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है डिफाइन करता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो अगर प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, अगर प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है सेम फंक्शनल ग्रुप तो भी हम उसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल नोट में करके लिख लेंगे, पहला केस ऑफ अल्कोहल, एल्कोहल का केस आपको बता रहे हैं, इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन एंड इन अदर स्ट्रक्चर इट इज अटैच्ड टू sp2 और sp कार्बन, देन दे आर
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ऐसा क्यों होता है ये चीज समझेंगे। मान लेते हैं ये कार्बन है, हाइड्रोजन 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 OH। ये क्या है कार्बन, sp3 कार्बन है, नो रेजोनेंस। OH के लोन पेयर के साथ ये बिल्कुल रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से इसकी रिएक्टिविटी इसके प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। लेकिन वहीं आप देखें, मान लेते हैं एक स्ट्रक्चर ये होता है, यहां पर आप देखेंगे ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अब आप यहां पर देखेंगे तो ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा, करेक्ट। जब प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा उस केस में इन दोनों को हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो यहां पर फिर से देखिए, इफ OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 कार्बन, यहां पर किससे जुड़ा हुआ था, OH ग्रुप sp3 कार्बन से। तो इसका मतलब क्या है, अटैच टू sp3 कार्बन से क्या मतलब है, रेजोनेंस डजंट अकर। And in other structure, it is attached to sp2 or sp carbon. Attached to sp2 or sp carbon से क्या मतलब है? Resonance will occur. इसमें resonance नहीं हो रहा है, इसमें resonance हो रहा है। और आपको पता है resonance आपकी reactivity को बहुत ज्यादा effect करता है। तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा इन दोनों के प्रॉपर्टीज में, तो आप क्या बोलेंगे इसे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर है? सिंस देयर प्रॉपर्टीज आर हाईली डिफरेंट, इन दोनों की प्रॉपर्टी में काफी अंतर आता है, इसलिए इन दोनों को क्या हम बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नोट कर लेंगे, मिटाएंगे है। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में केस ऑफ अमीन्स। अमीन क्या होते हैं, NH2 ग्रुप। तो यहां पे मेंशन करेंगे 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, अमीन है, लेकिन एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री है, एक में 3 डिग्री है, तो भी आप उसे क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2 NH2, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमीन। CH3 CH2 NH CH3, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन देखिए एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप बोलेंगे 2 डिग्री अमीन। उसी तरह से CH3 N CH3 CH3, इसको आप क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन देखिए तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां यहां यहां, इसको आप बोलेंगे 3 डिग्री अमीन।
ऐसे केस में आपने थोड़ा बहुत जीओसी पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा अगर नॉर्मल स्टेट में देखा जाए तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इधर भी डोनर है, इधर भी डोनर है, इधर भी डोनर है। उसके अलावा ये बड़े ग्रुप्स हैं तो स्टेग रिपल्शन है जो इसके रिएक्टिविटी को, जो इसकी प्रॉपर्टीज को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग अमीन्स चैप्टर कर रहे होंगे, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स कर रहे होंगे, तब हम इसे डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस ये बात समझना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस, दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स प्रोवाइडेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से होना चाहिए। तो वो एक बार चेक कर लेंगे, कार्बन कितना है 1, 2, 3, C3 हाइड्रोजन कितना है 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 एंड यहां पर देखेंगे कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 3, 2, 5, 6, 3, 9 एंड यहां पर देखेंगे 3, 6, 9 C3H9N। तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? तो एक 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आई होप काफी हद तक क्लियर है। अगर प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आता है बहुत ज्यादा तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, उससे आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप प्रिडिक्ट करेंगे कौन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, कौन चेन आइसोमर है और कैसे डिफरेंस होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नोट करेंगे तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन वही है, आपके सामने 5 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, आपको बताना है फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन क्या है, फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन क्या है और इसी तरह से सबके एक दूसरे से रिलेशन बताना है। आप क्या करें, 2 मिनट पॉज करके आप ये क्वेश्चन ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लें कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, राइट? तो फंक्शनल ग्रुप यहां पे हर केस में आपको दिख रहा है, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये एथर। ध्यान देंगे ऑक्सीजन दोनों साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एथर हो गया, यहां पर ये अल्कोहल। तो काफी आसानी से आपने डिफरेंशिएट कर लिया 4 क्या है। क्लियर? नाउ अब आप देखेंगे OH जो है किस हाइब्रिडाइजेशन के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर देखेंगे ये sp2 कार्बन है, OH जहां पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन देखना है, ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, देख लेते हैं ये भी sp2 कार्बन है। खैर हमने डिफरेंशिएट कर लिया है, ये ऑलरेडी एथर है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ही है। अब शुरू करते हैं, शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर में सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका मेन चेन क्या है, मेन चेन क्या है, तो बेंजीन में हर केस में वही है मेन चेन। तो चेन आइसोमर तो नहीं है, साइड चेन में सबके एक एक ही कार्बन, तो मेन चेन और साइड चेन का लेंथ बराबर है। उसके बाद रिंग चेन आइसोमर भी नहीं हो सकता है, लेंथ ऑफ रिंग बराबर है, करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका पोजिशन आइसोमर्स। पहले फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। OH यहां पर जुड़ा हुआ है sp2 कार्बन से, यहां पर भी sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, करेक्ट। 1 और 2 में क्या रिलेशन है? तो OH sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकता है। जब फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकते हैं तब आप साइड चेन का पोजिशन देखिए विथ रिस्पेक्ट टू OH। अगर आप इसको 1 देते हैं तो इसको 2 देंगे, अगर आप इसको 1 देते हैं तो इसको 3 देंगे। कहां पे डिफरेंस आया? पोजीशन ऑफ CH3 विथ रिस्पेक्ट टू OH पे डिफरेंस आया,
तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पोजिशन आई। तो सबसे पहले हम लाते हैं पोजिशन आइसोमर्स, वन एंड टू आर पोजिशन आइसोमर्स। क्यों आए पोजिशन आइसोमर्स? क्योंकि फंक्शन आइसोमर नहीं है, चेन आइसोमर नहीं है, करेक्ट। उसके बाद वन और थ्री में चेक करते हैं तो सेम लॉजिक लगाएंगे, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है sp2 कार्बन से, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है sp2 कार्बन, तो इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो नहीं है। अब चेक करेंगे CH3 सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और इसके हिसाब से CH3 फोर्थ पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है? पोजीशन ऑफ CH3 विद रिस्पेक्ट टू OH। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। वन एंड थ्री आर पोजिशन आइसोमर। अब वन एंड फोर की बात कर लें तो आपको क्लियर पता है ये अल्कोहल है वो एथर है, तो वन और फोर आपस में क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएंगे वन एंड फोर, करेक्ट। नेक्स्ट आप देखें अल्कोहल, ये अल्कोहल है वो भी अल्कोहल है, ये अल्कोहल में ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है वो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये sp3 कार्बन है। तो एक में अल्कोहल sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक में अल्कोहल sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या रिलेशन है? एक में रेजोनेंस होगा दूसरे में नहीं होगा, कैसी आइसोमर्स हो गए फंक्शनल ग्रुप। तो वन एंड फाइव आर फंक्शनल ग्रुप क्लियर है। अब टू और थ्री को कंपेयर करते हैं, टू और थ्री में देखें OH है, OH है sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकता है। अब पोजीशन ऑफ साइड चेन देखें, CH3 देखें, तो एक थर्ड पोजीशन पे है, एक फोर्थ पोजीशन पे है, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। तो टू एंड थ्री आर पोजीशन आइसोमर्स। टू एंड फोर में आए तो ये अल्कोहल है, ये एथर है, क्या हो जाएंगे, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। करेक्ट। टू एंड फाइव में कंपेयर करेंगे तो सेम लॉजिक से जैसे वन और फाइव को कंपेयर किया था उसी तरह से टू और फाइव को कंपेयर करें, OH sp2 कार्बन से जुड़ा है, OH sp3 कार्बन से जुड़ा है, एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। 2 एंड 5 उसी तरह से 3 4 में रिलेशन देखेंगे, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका क्या है, एथर, तो क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। 3 एंड 5 कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, OH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, करेक्ट, OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एक में sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे में sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब 4 और 5 को कंपेयर करना है, 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो आपको पता है ये एथर है, ये अल्कोहल है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आई होप काफी हद तक इस एग्जांपल के बाद आपको क्लियर होगा कौन से पोजीशन आइसोमर्स होंगे, कौन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स देखने के तरीके क्या है, क्लियर। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए या रिएक्टिविटी में डिफरेंस आना चाहिए आपको अल्कोहल के लिए और अमीन्स के लिए, मैंने डिफरेंट क्राइटेरिया दे दिया। अल्कोहल के लिए क्या है, एक में रेजोनेंस हो दूसरे में रेजोनेंस ना हो तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अमीन के लिए क्या है, एक वन डिग्री हो, एक टू डिग्री हो, एक थ्री डिग्री हो, तीन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को? अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है हमारा मेटामर्स।
मेटामर्स क्या है, ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट है। मेटामर भी एक तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होते हैं, लेकिन ये जो वैलिड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में वैलिड होते हैं। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या है, उस फंक्शनल ग्रुप के दो अलग छोर होने चाहिए, दोनों तरफ अलग अलग कार्बन चेन होना चाहिए। दैट मीन्स कार्बन चेन हैज टू बी डिसकंटिन्यूअस। यहां पे आपके आसानी के लिए लिख देते हैं, कार्बन चेन हैज टू बी डिसकंटिन्यूअस अलोंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपके कार्बन चेन को तोड़ना चाहिए, तभी हम ये चीज लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। क्लियर है? तो इसके आगे समझेंगे, दो आइसोमर्स आर मेटामर्स इन विच नंबर ऑफ कार्बन ऑन ईच साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर। करेक्ट। तो सबसे पहली बात हमें यह समझना होगा कि मेटामर होने के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप लेकिन सेम होना चाहिए, राइट? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग नहीं हो सकता, करेक्ट? एग्जांपल के लिए देखते हैं, मान लेते हैं आपके पास स्ट्रक्चर है CH3 CH2 O CH2 CH3। ठीक है, ये क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एथर। समझेंगे, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए वैलेंसी एथर ग्रुप की क्या है, दो, एक तरफ एक कार्बन चेन, एक तरफ दूसरा कार्बन चेन, करेक्ट? तो वैलेंसी इसकी दो है, तो इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। हिंट के लिए लिखा है कार्बन चेन हैज टू बी डिसकंटिन्यूअस अलोंग द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के अलोंग, फंक्शनल ग्रुप के वजह से आपका जो कार्बन चेन है वो डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। तो दिख भी रहा है, बीच में आपका ऑक्सीजन आ गया तो डिसकंटिन्यूअस। तो ये चीज हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसी का एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, CH3 O CH2 CH2 CH3। ये भी आपका क्या है, एथर। तो इसमें भी लगा सकते हैं, ये भी आपका एथर है, डाइवैलेंट है, कार्बन चेन डिसकंटिन्यूअस है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या चेक करना है, तो दोज आइसोमर्स आर मेटामर्स इन विच नंबर ऑफ कार्बन ऑन ईच साइड, कार्बन ऑन ईच साइड आपको काउंट करना है, ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर। तो लेफ्ट साइड में कितना कार्बन है, बस काउंट करना है, चेन में नहीं देखना, काउंट करना है। तो दो कार्बन, इधर कितना कार्बन है, दो कार्बन, तो दो दो कार्बन हर तरफ है। इसमें देखेंगे एक कार्बन, इधर तीन कार्बन। तो समझे, नंबर ऑफ कार्बन ऑन ईच साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। यहां पे दो कार्बन और दो कार्बन था, यहां पे एक और तीन है, तो नंबर ऑफ कार्बन ईच साइड पे डिफरेंट हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मेटा। कोई कंफ्यूजन? यहां पे नोट पे करके एक चीज ध्यान रखनी है आपको, फंक्शनल ग्रुप
मस्ट बी सीन। फंक्शनल ग्रुप जब भी आप मेटामर देख रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप आपका सेम होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएगा तो हम उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलेंगे, मेटामर के बारे में हम नहीं सोचेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नोट करेंगे, इसके एक दो और एग्जांपल देखते हैं फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। एग्जाम्पल CH3 C double bond O O CH3, आपको बताया था ये क्या है? एस्टर, राइट? ये एस्टर है। आप क्या कर सकते हैं? H C double bond O O CH2 CH3, एक ये स्ट्रक्चर बना लिया। ये फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो गया? एस्टर, करेक्ट। तो ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। आप देखेंगे पॉलीवैलेंसी, वैलेंसी वन से ज्यादा है या नहीं है? हाँ तो बिल्कुल है। इसके इधर भी एक वैलेंसी है, इधर भी एक वैलेंसी है। एक कार्बन से अटैच होगा, एक ऑक्सीजन से अटैच होगा, तो वैलेंसी भी दो है आपका, वो भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। डिसकंटिन्यूअस कार्बन चेन होना चाहिए, तो ऑक्सीजन की वजह से डिसकंटिन्यूअस कार्बन चेन भी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या काउंट करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन ऑन ईच साइड। तो इधर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन में दो कार्बन है, इधर आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन में एक ही कार्बन है, इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ कंपाउंड, करेक्ट? इधर देखेंगे एक कार्बन है, इधर देखेंगे दो कार्बन है। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन ऑन ईच साइड डिफरेंट हो गया। यहां पे कार्बन के साइड में दो कार्बन थे, इधर कार्बन के साइड में एक ही कार्बन, इधर ऑक्सीजन के साइड में एक कार्बन था, इधर ऑक्सीजन के साइड में दो कार्बन हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? वेरी गुड, मेटामर्स। ये दोनों एक दूसरे के हो गए मेटामर्स। यही पे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, वो बताएंगे उनसे क्या रिलेशन है। CH3 CH2 C double bond O OH, इसका और इसका क्या रिलेशन? तो आप ध्यान देंगे यहां पे फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया है तो आप मेटामर के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, करेक्ट? तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है मेटामर पहचानने में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पहचानने में, चेन आइसोमर पहचानने में, पोजीशन आइसोमर पहचानने में। ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको सेम काम करना है। 1:2 से रिलेशन, 1:3 से रिलेशन, 2:3 से रिलेशन, सबका एक दूसरे से रिलेशन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जल्दी से फाइंड आउट करेंगे और कंपेयर करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे ध्यान देंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइन। फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब चेक करेंगे ये अमाइन भी कितना है? 2 डिग्री, दो तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कितना है? 2 डिग्री। ये भी कितना है? 2 डिग्री। तो फंक्शनल ग्रुप हूबहू सेम है। जब फंक्शनल ग्रुप हूबहू सेम है तो ये दोनों, ये सारे में कभी भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का रिलेशन नहीं हो सकता। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं होंगे,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब चेक करते हैं मेटामर का कंडीशन। तो पॉलीवेलेंट है यहाँ पे तीनों, नंबर ऑफ कार्बन इस साइड काउंट करना है, तो इधर काउंट किया दो कार्बन, इधर काउंट किया दो कार्बन, इधर काउंट किया एक कार्बन, इधर काउंट किया तीन कार्बन, इधर काउंट किया एक कार्बन, इधर काउंट किया तीन कार्बन। अब रिलेशन लिखना चालू करते हैं। वन और टू में फंक्शन ग्रुप ऐसा तो था नहीं, देखें नंबर ऑफ कार्बन ऑन ईच साइड, तो इधर दो कार्बन एक कार्बन तीन कार्बन, क्या हो गया नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के, मेटामर्ज हो जाएंगे। तो वन एंड टू मेटामर्ज है, करेक्ट। वन एंड थ्री में भी कंपेयर करेंगे, वन एंड थ्री में भी सेम लॉजिक लग रहा है, इधर दो कार्बन एक कार्बन तीन कार्बन। आपको बताया था ना एंड और वर्टेक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को, एंड और वर्टेक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को। तो इधर तीन कार्बन हुए ना, दो कार्बन दो कार्बन, वन और टू मेटामर था, वन और थ्री कंपेयर किया तो वन और थ्री में भी क्या रिलेशन है दो कार्बन एक कार्बन तीन कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के, तो वन एंड थ्री भी क्या हो गए मेटामर्ज हो गए। टू और थ्री में देखेंगे, तो टू और थ्री में देखेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, टू डिग्री मेटामर भी नहीं है। अब हम आएंगे चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर पे, तो चेक करेंगे इनका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। देखिए ये आपका मेन चेन हो गया, इधर ये आपका मेन चेन हो गया, करेक्ट। कहीं से भी नंबरिंग दे दीजिए, वन टू थ्री, इसको आपको इधर से ही देना पड़ेगा क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप देखें ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा है और यहां पे ये वाला ग्रुप सेकंड पोजीशन पे जुड़ा है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा है, ये सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, डिफरेंस कहां पे आ गया, लेंथ ऑफ चेन में तो डिफरेंस नहीं आया, इधर भी तीन था इधर भी तीन था, पोजीशन में डिफरेंस आया। जब पोजीशन में डिफरेंस आया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, पोजीशन आइसोमर्स। तो टू एंड थ्री आर पोजीशन आइसोमर्स, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कैसे कैसे प्रोसीड करना है। मेरे को फंक्शनल आइसोमर नहीं मिला, मेटामर चेक किए पॉलीवेलेंट के लिए, मेटामर नहीं मिला तो चेन और पोजीशन पे आ गए, चेन और पोजीशन चेक किए तो चेन नहीं था पोजीशन था, ये चीज मेरा सॉल्व हो गया। अगर अभी भी किसी को दिक्कत आ रहा है तो इन दोनों का नॉमेनक्लेचर लिखकर देख लें कहां पे डिफरेंस आ रहा है। इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, वन पे एन मिथाइल प्रोपेन आएगा इसका, और इसका क्या आएगा टू पे एन मिथाइल प्रोपेन। डिफरेंस देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एन मिथाइल के पोजीशन पे आया, जब एन मिथाइल के पोजीशन पे डिफरेंस आया है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए पोजीशन आए। okay. अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इंप्रूव करते हैं, ये सारे सिंपल क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, करेक्ट। अब चेक करेंगे कैसे आइसोमर्स है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, पहले फंक्शनल ग्रुप चेक किया, उसके बाद क्या किया पॉलीवेलेंट है या नहीं, तो आपको दिख रहा है पॉलीवेलेंट है, इधर एक वैलेंसी नाइट्रोजन के पास एक वैलेंसी पॉलीवेलेंट है, करेक्ट। तो अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ कार्बन, मेटामर चेक करेंगे, मेटामर चेक करेंगे तो इधर ये मिलाकर एक दो तीन चार पांच छह, एक सात कार्बन
और इधर एक कार्बन, यहां पर देखेंगे इसको मिलाकर दो कार्बन, ये मिलाकर छह कार्बन। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? नंबर ऑफ कार्बन ऑन ईच साइड। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? मेटामर्स। तो दीज टू आर मेटामर्स। फटाफट करते जाएंगे। अब जब आपने क्वेश्चन वन समझ लिया है, क्वेश्चन टू समझ लिया है, तो क्वेश्चन थ्री एक बार ट्राई करेंगे। आपको टाइम दे रहे हैं, आराम से ट्राई करिए। चलिए शुरू करते हैं कंपेयर करना। सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। एस्टर, 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 तो चारों एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पॉलीवेलेंट है, तो आपको दिख रहा है कार्बन से एंड जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन से एंड जुड़ा हुआ है, वैलेंसी तो दो है, डिसकंटीन्यूअस है। मेटामर के लिए चेक कर लेंगे, मेटामर के लिए चेक करेंगे, तो इधर कितना कार्बन है? सिर्फ नंबर लिखना है। इधर कितना कार्बन है? तो एक, दो और ये छह, ये टोटल मिला के कितने कार्बन हो गए? आठ कार्बन। ये कितना कार्बन हो गया? छह कार्बन। काउंट करना है, नंबर गिनना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ कार्बन। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह कार्बन। यहां पर देखेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, ये भी कितने हो गए? आठ कार्बन। ये कितना हो गया? छह कार्बन। करेक्ट, यहां पर काउंट कर लेंगे तो ये छह, एक ये सात, सात कार्बन। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? सात कार्बन। ये कितना हो गया? सात कार्बन। तो मेरे को ये चीज पता चल गई कि फंक्शनल आइसोमर नहीं है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है। मेटामर के लिए चेक कर लेते हैं। तो वन और टू देखिए, सी वाले एंड पे इधर भी आठ कार्बन है, इधर भी आठ कार्बन है, तो वन एंड टू आपस में मेटामर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड अभी भी बराबर है। तब आप क्या चेक करेंगे? चेन आइसोमर पे आएंगे, तो चेन आइसोमर चेक करेंगे। इसके चेन में एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन का मेन चेन है इसका, दूसरे कार्बन में फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका एक कार्बन का मेन चेन है, उस कार्बन पे फोर मिथाइल फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर्स कौन कौन है? वन एंड टू। कैसे आए वन एंड टू? फिर से समझते हैं। कार्बन से शुरू करते हुए आप पेरेंट चेन देखते हैं, नॉर्मल क्लीचर आपको आना चाहिए, ये चीज मैंने पहले ही बोला था। कार्बन से शुरू करके पेरेंट चेन देखा तो वन और टू दो ही कार्बन का है, ये तो आपका एक ग्रुप हो जाएगा, फिनाइल ग्रुप। तो दो कार्बन का चेन है, यहां पर देखें एक कार्बन का चेन, तो चेन आइसोमर हो गए, चेन के लेंथ में डिफरेंस आ गया। अब यहां पर वन और थ्री कंपेयर करेंगे, जब वन और थ्री कंपेयर करेंगे तो ये तो क्लियरली दिख रहा है आपको मेटामर है। मेटामर क्यों है? आठ कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, सात कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन और नीचे में डिफरेंस आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? मेटामर। अब टू और थ्री में देखते हैं तो सेम लॉजिक आ रहा है, आठ कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, सात कार्बन, क्या हो जाएंगे? मेटामर। करेक्ट। अब थ्री एंड फोर में रिलेशन देखते हैं, तो थ्री एंड फोर में देखेंगे तो लेफ्ट साइड वाला कार्बन के एंड वाला चेन एग्जैक्टली बराबर है,
तो पेरेंट चेन बराबर है, साइड चेन में देखेंगे तो इधर साइड चेन में एक ही कार्बन है और एक ब्रांच जुड़ा हुआ है, इधर साइड चेन में सीधे सीधे ब्रांच जुड़ा हुआ है, तो साइड चेन में डिफरेंस है, चेन आइसोमर हो गया। अगर आपको नॉमेनक्लेचर पता है तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1-फिनाइल मिथाइल, इसको क्या लिखेंगे, पारा मिथाइल फिनाइल। तो आपका क्या हो गया ये दोनों चेन आइसोमर, तो 3 और 4 आर चेन आइसोमर, क्लियर है? जल्दी से नोट करेंगे, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो चीजें हमने समझी हैं, उनके बेसिस पे ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है। पहले क्वेश्चन में आपको सेम काम करना है, 1 का 2 से रिलेशन, 1 का 3 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन, ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करनी है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपके मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे सही है या नहीं। क्लियर? इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है वो है डायग्नोसिस ऑफ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है कि फॉर्मूला को देख के आप कैसे पता करेंगे कि इसमें कितने रिंग हो सकते हैं, कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, ये सारी चीज, और उनके बेसिस पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मैंने आपको शायद पहले के क्लासेस में बता भी रखा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स क्या होता है, अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है। सारे नाम अलग अलग आपको दिख रहे हैं लेकिन मतलब एक ही है, सेम। हम लोग यहां पर चलेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर के नाम से और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। आज के लिए यही तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, वो कैसे निकालें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।